हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके एकदम इजी तरीके से आज हम टेस्टी टेस्टी ये घर पे ही पिस्ता के आइसक्रीम बनाएंगे। झटपट से बनने वाला फ्रेंड्स, बहुत कम मेहनत में जल्दी से ये हमारा टेस्टी सा ये आइसक्रीम बन करके तैयार हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 3 से 4 सामान में टेस्टी चाहिए। पिस्ता आइसक्रीम हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। और फ्रेंड्स, बनाने में भी उतना ही ईजी है, झटपट से बन जाता है। तो अभी गर्मी का टाइम है तो कुछ ठंडा ठंडा मन करता है, तो आप क्यों ना बाहर से आइसक्रीम लाने के बजाय घर पे ही ये टेस्टी सा ही आइसक्रीम बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम ये टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। पिस्ता आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये बोल लेंगे और इसी में हम ये डालेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम है, ये केक वाले क्रीम है ना, ये हमने 1 कप लिए हैं व्हिपिंग क्रीम। ये हमने चिल्ड क्रीम लिए हैं। अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इस तरह का ये अमूल का फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, इससे भी आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा इससे भी। अब हम इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैं इसको बीट कर लेती हूँ। तो हमें इसको सॉफ्ट पीक तक ही बस बीट करना है। तो ये आप देखिए, क्रीम भी हमारा बीट हो गया। अभी इसको हम और बीट करेंगे। तो अब मैं इसी में ही ये डाल दूंगी। ये 1/4 कप ये कंडेंस मिल्क है। ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस ये कंडेंस मिल्क डाल करके इसको हम अच्छे से इस तरह से 1 मिनट तक और बीट कर ले रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से बीट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा क्रीम बीट हो गया है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब ये देखिए, ये हमने पिस्ता ले लिए हैं। ये पिस्ता हमने 25 से 30 ग्राम लिए। अब इस तरह का एक मिक्सर का जार ले लेते हैं और इसको डाल करके इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके इसका पाउडर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमने इसका पाउडर तैयार कर लिए हैं और इसी में हम ये पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से जब हम डालेंगे तो गार्निशिंग के लिए, तो हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसको रख ले रहे हैं और इसको मैं वापस से इस तरह से 1 मिनट तक इसको बीट कर ले रही हूँ। तो ये आप देखिए, ये हमने सॉफ्ट पीक तक इसको बीट कर लिए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन। तो बिल्कुल हम देखिए इस तरह से 1 पिंच डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप चाहें तो, मैं पाउडर वाली हूँ, आप चाहें तो लिक्विड वाले फूड कलर भी ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से ही इस तरह से इसको डाल करके बीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए क्रीम भी कितना परफेक्ट आप देख सकते हैं बीट हुआ है। तो आप देखिए इस तरह से ये गिर भी नहीं रहे हैं। तो बस अब मैं इसको हटा लेती हूँ। अब हम इस तरह का कोई भी कंटेनर ले लेंगे, कोई भी आप टिफ़िन बॉक्स या कोई भी डिब्बा ले लीजिए और इसी में हम ये इसको डाल देते हैं और अच्छे से हम इसको बराबर से फैला लेंगे। तो इसको बस मैं अच्छे से पहले फैला ले रही हूँ। तो ये आप देखिए, ये हमने पूरा इस तरह से कंटेनर में डाल दिए और ये बचे हुए इस तरह से थोड़े हमने पिस्ता बचा करके रखे थे, तो इस तरह से हम ये ऊपर से गार्निशिंग में डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिए। मैं इसको इस तरह से क्लीन रैप से इसको हम कवर कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी इस तरह से एयर क्रिस्टल भी आइस भी नहीं जमेंगे इसमें। तो बस इसको हम कवर करके, तो बस इसको हमने इस तरह से कवर कर लिए हैं। हमने इसको क्लीन रैप से ये अच्छे से कवर भी हो गया। अब इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं जमेंगे। आप चाहे तो इसको इसी तरह से सेट कर दीजिए या तो एक और सेफ्टी कर लीजिए, इस तरह से कवर करके, इसका ढक्कन लगा के कवर करके इसको 7 से 8 जमने दीजिए या ओवरनाइट के लिए। देखिए, ये हमारा पिस्ता आइसक्रीम जम करके तैयार हो गया। मैं इसको इस तरह से खोल करके दिखा रही हूँ, तो आप देखिए कितना बढ़िया जमा है। अब ये हम इसको निकाल ले रहे हैं, तो आपको मैं दिखा रही पास से। देखिए कितना बढ़िया से ये हमारा आइसक्रीम जम करके तैयार हुआ है। अब हम इसको निकालेंगे। अब ये हम आइसक्रीम वाला स्कूप लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये घर का कोई भी चम्मच से इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो मैं इसको निकालूंगी। तो आप देखिए, आपको निकालने से समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया ये हमारा आइसक्रीम तैयार हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये जम करके तैयार हुआ है। अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहे हैं, इसका टेक्सचर भी एकदम क्रीमी टेक्सचर में ये हमारा आइसक्रीम बना है। तो इसी तरह से हम बाकी का भी निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने आइसक्रीम को निकाल लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने बारीक पिस्ता कट करके रखे थे, इस तरह से हम ये डाल देते हैं। आप चाहें तो पिस्ते के इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी टेस्टी हमारा ये पिस्ता आइसक्रीम, देखिए कितना इजी से ये हमारा घर में ही बन करके तैयार हो गया। फ्रेंड्स देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, झटपट से ये हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।